नमस्कार अहम ब्रह्मास्मी ओडे चैनल को आपण मानको स्वागत। आज आम भिड़ मध्यम जानवा कि ईश्वर को केउंडी पाइबा ईश्वर प्राप्त करने अनेक मार्ग रही जथा भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग ध्यान मार्ग कर्म मार्ग भिन्न भिन्न धारा रे अवलंबन करी ईश्वर प्राप्त करा जाए एवं ईश्वर कही कही प्राप्त करने मंदिर जाती कही भागवत गीता इत्यादि वेद वेदांत को पाठ करती किंतु सबरी उद्देश्य गोटे ही थाए जे ईश्वर को प्राप्त करवा जदि आम जापार ईश्वर केउंठी अछंदी तमें कौन करवा ना यथाशीघ्र ईश्वर को प्राप्त करवा जदि आम के स्थान को जीवाक चाहिबा सेठार जदि ठिकणा आम जाणिथिबा अति सहजरे आम पहुँची पारिबा सेहिपरी ईश्वर को पाइबाक हेले आमको ईश्वर ठिकणा जानिबाक पड़िब नहेले आमे बाटबुणा हेइ जिबा ईश्वर को प्राप्त करिपारिबा नाहि। ईश्वर को पाइबा पई सहज मार्ग होउची ध्यान मार्ग काहेकि ना जेतेबेले मनीष ज्ञान रे परिपूर्ण होइथाए जे जानिपारे जेतेबेले ईश्वर केउठारे अछंदी से ध्यान मार्ग द्वारा ईश्वर को प्राप्त करिथाए। प्रथमे जानिबा ईश्वर किए ईश्वर जे निराकार जे अव्यक्त जे सर्वकालीन सर्वविद्यमान एवं जहाँ स्थान काल पात्र ही ना से सबर ऊर्धरे एवं से ही ईश्वर जन्म मृत्यु मध्य नहीं उत्पत्ति स्थिति प्रलय मध्य नहीं जहाँ को आधार करी ये सचराचर जगत परिचालित होइथाए एवं जो ईश्वर शक्ति आधार करी प्रत्येक जीव ए संसार रे सांसारिक कर्म करिथांदी होइछन्ति ईश्वर एवं से होइछन्ति गोटे शक्ति सदृश काहेकि ना से ही शक्ति के आधार करी ये प्रत्येक जीव कर्म करिथांदी प्रत्येक कर्म संसार रे होइथाए केवल गोटे शक्ति के आधार करी से शक्ति होइछन्ती ब्रह्म शक्ति से शक्ति होइछन्ती ईश्वरीय शक्ति से शक्ति होइछन्ती भगवान भिन्न भिन्न नाम रे आमे डाकुचे किंतु सी होइछन्ती जणे एवं सी होइछन्ती विषय ताकु आधार करी संसार सबकिछि चालू थाए संसार रे सी अछन्ती किंतु संसारी नुहन्ती आम शरीर भितर अछन्ती किंतु से शरीर नुहन्ती मन मध्य अच्छा मन नुहति इंद्रिय मध्य अच्छा इंद्रिय नुहति ताहले से किए से ताहले से होती गोटे शक्ति सी होती आत्मा प्रत्येक जीवन भितर से ही विद्यमान पशु पक्षी मनीष आरंभ करी जिते छोटर बड़ पर्यंत समस्त भितर से विराजमान कर ईश्वर आमरी भितर ही अच्छा आम को छाड़ी से अलग केउठी नहांदी जेहेतु हूँ ये शरीर तांकरी सृष्टि से शरीर मध्य नहीं बास करती किंतु शरीर कर्म मनर कर्म इंद्रियर कर्म ताको स्पर्श करिपारे नहीं ये सबर ऊर्धरे से ईश्वर को पाया पाई मनीष भिन्न भिन्न मार्ग को आपणे नहीं किंतु समस्त गोटा ही लक्ष्य आम ईश्वर प्राप्ति करवा जी आम सठिक तारी न जापर तेब याड साड़े दौड़ा हेले वृथा हाब फल कि मिलना जदि आम सठिक रास्त जापर तेब ईश्वर को अति कम समय प्राप्त करें जापारे कि जो ईश्वरीय शक्ति जो ब्रह्म शक्ति सी आम शरीर ही अच्छा आत्मा रूप से तांकु कोठी खोजिया पड़ब ना कौटी जीवाक पड़बना जेहेतु ईश्वर आमरी भितर अच्छा तो आमरी भितर को ही जा खोजा पड़ब
अन्य कौन से स्थान को नुह जमीक मठ मंदिर किंबा अलग कड़े क्यों स्थान को जीवा जो सहीटा पड़बनी जीवाक पादचला रास्ता आवश्यक ना ईश्वर प्राप्त करने बास मन चला रास्ता आवश्यक मनर रास्ता ही गले ही ईश्वर को प्राप्त कर पादचला रास्ता के भी प्राप्त कर मंदिर मठ हूँ गोटे मध्यम ईश्वर तत्व को चिन्हवा जानापी कि प्रकृति में मन मध्यम ही ईश्वर को प्राप्त करापे से ही मन मध्यम ईश्वर को अनुभव करश्वर हो गोटे अनुभव देखिहब ना कहीं सी हो विषय जो भाव में आलोक को देखिपर ना एक कहीपर ना जे एटी आलोक अच्छे से आलोक अच्छे से हीपरी भाव ईश्वर सर्वत्र विराजमान एवं से सबुठारे ही अच्छा सी हो विषय विषय को ये चर्म आखि के देखिपर ना बस आमर अनुभव हो पार आम तो अनुभव कहीं सी होती अनुभव से तो भागवत पदावली अच्छी आत्मा अटई शुद्ध ज्ञान अनुभव रे प्रमाण जिते बड़े मनीष भितर शुद्ध ज्ञान परिपूर्ण हो पार तद्वारा से जा ईश्वर तो अनुभव करें भावती कि ईश्वर को दर्शन करवा ना ईश्वर पर गोटे शक्ति ईश्वर हो गए आधार तेपर भाव दर्शन करवा करहब ना बास अनुभव करहब से अनुभव करवा ही प्रकृति ईश्वर प्राप्ति से कार्य करने ये धरापृष्ठ को मनीष आसीचे यदि से ही कार्य से नक जीवन ताली मनुष्य शरीर प्राप्त कर लाभ भी ना पशु मैंने जो कर्म करती मनीष आज से ही कर्म करुच्चे पशु तो जहाँ मनुष्य तो से अधिक भाग कौन से करपरला बस अधिक ये ही कर ईश्वर तो अनुभव कर संसार श्रेष्ठ भाव जीवन जापन कर जो पर्यटन आम ईश्वर को अनुभव न करपर से पर्यटन संसार आम प्रकृत सांसारिक कर्म लिभपर ना एवं श्रेष्ठ जीवन धारण करना तो ईश्वर तत्व को आम अनुभव करने को ही बढ़ से ईश्वर तत्व को अनुभव करने वेद वेदांत एवं श्रीमद भगवद गीता भागवत इत्यादि रचना कराई केवल से ईश्वर को चिन्हापी ईश्वर ठिकना पाई अनुभव करने कि आम सब कौन भावि था गोटे आशा आकांक्षा जे ईश्वर एमती है एमती देखा जाए एमती रूप से हे सब कि जानवा दरकार कि सी हो गए माध्यम जो ईश्वर को आम बाहर देखुचे फटो मूर्ति सब सी गोटे माध्यम जहाँ माध्यम को जहाँ को आधार करी जहाँ को माध्यम करी आम कौन कर पारिबा ना प्रकृत ईश्वर को चिन्ह पारिबा जहाँ को आधार करी ये संसार चलुची जहाँ को आधार करी प्रत्येक शरीर चलुची एवं से ईश्वर दत्त से भगवान से ईश्वर आम भितर ही अच्छा आत्मा रूप से आत्मा को अनुभव करिया ही प्रकृति ईश्वर प्राप्ति आम जानपारे कि ईश्वर क्यों बाहर नहांती अर्थ आम भितर ही अच्छा बाहर तो अच्छा प्रत्येक जीव प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक जड़ चेतन वस्त्र अच्छा तो आम भितर से अच्छा तेल बाहर को जीवार कौन से आवश्यकता ना बास आम ज्ञान अर्जन करी ध्यान बल ईश्वर को प्राप्त एवं बाहर खोजिले मिलेनि निज अंतरे खोजिले से मिले कहीं सी अंतर्जामी अंतरे से बास करती जेहेतु से अंतर भितर बास करती ताल आमको अंतर पाक ही जीवाक पड़ो क्यों बाहर को जीवाक पड़ो ना जो मनीष यह जापर ना तेब से कौन कर ज्ञान अर्जन कर वेद वेदांत इत्यादि रचना कराई ताको पढ़ी ज्ञान अर्जन कर श्रीमद भागवत को पढ़ी ज्ञान अर्जन कर प्रकृति में से तत्व को अनुभव कर चेष्टा कर ईश्वर तत्व को अनुभव मनीष करवा ही प्रकृत ईश्वर प्राप्ति आम भावती कि ईश्वर आसवे गोटे दर्शन देदेव एमती रूप एम करेंगे कि मनर यही लिभ दिंतु कि ईश्वर हो गए विषय बास अनुभव ही करहब देखिहब ना चर्मचक्षुरे बास अनुभव ही करहब कहीं गोटे शक्ति।
आपण माने जदि बुझिपारी थे ईश्वर आम भितर अच्छा प्रकृति ईश्वर किए तेबे बाहर आपण न खोजी सब अंतर भितर खोजु ध्यान बल रे ईश्वर प्राप्त करहब अति सहज आकार रे ध्यान करबा द्वारा मन अंतर्मुखी होइथाय मन मध्ये जे पर्यंत अंतर्मुखी न होइ पारिबो से पर्यंत आमे ईश्वरत्व अनुभव करि परबा नाही मन को प्रथम अंतर्मुखी करिया पड़ेबो जे पर्यंत मन अंतर्मुखी न होइची से सदा सर्वदा भौतिक संसार घूरी बुलिबो एवं नानादि दुख कष्ट यंत्रणा आणिकी आम पाखरे थोइ देबो जेतेबेळे आमे मन को अंतर्मुखी करि परबा ईश्वरंग पाखरे नै समर्पण करि परबा एवं ताको अनुभव करि परिया ईश्वरत्व तद्वारा कौन कर मन संसार रे न बुड़ी सर्वदा ईश्वर पाखे रहिब एवं परम सुख परम शांति परम आनंद आमको दब मनीष जितेबले यही तत्व को यही ज्ञान को बुझिपार तेबे जाकि तार मनीष जीवन सार्थकता हो पार जदि आपण भिड़ मध्यम बुझिपारती ईश्वर केउंटी रुहन्ति ईश्वर किए से तेबे बाहर को जीवा किसी आवश्यक ना आपण बास निजर अंतर्मुखी होकि ध्यान बल प्राप्त करंतु ध्यान जदि न जानिछनी किछ नै बस चुपे बसंतु किछ समय देखंतु मन रे केउ बरी वृत्ति आसुची सही वृत्ति आपन दले देखिबे से क्रमशः लुप्त हबो एवं धीरे 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 आपन अंतर्मुख हेबे एमिति दिन आसीबो आपन से ईश्वर तो अनुभव करिवे एवं देखिबे जे प्रत्येकटी भितरे प्रत्येकटी जीवंग भितरे सेही विराजमान करिछंदी आ से शक्ति आपन ठरो अलग नहंदी जितेबेळे एही सब को अनुभव करिवे तेबे माया संसार मुक्त हो पारिबे मायार मुक्त हेले ही प्रकृत जाग्रत अवस्था रही परम सुख परम शांति परम आनंद को अनुभव करिपारिबे तेबे रहुची नमस्कार।